पॉपुलर की खेती में जो है हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उस धोखे को मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है। ये 21 इंची गोलाई है तो ये ओवर साइज है, और ये हमारा 18 इंच गोलाई का पौधा है तो ये अंडर साइज है। इनके जो पत्ते और बारीक टहनियां हैं वो बीघे के हिसाब से बिकती हैं, 500 रुपए बीघा, 1000 रुपए बीघा। किसान साथियों राम राम। आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्रॉप, एक ऐसी फसल की के जिसे हम करते चले आ रहे हैं हम और आप 300 साल से, लेकिन उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और बहुत बड़ा धोखा है। तो वो बात है हमारी पॉपुलर की खेती। पॉपुलर यानी कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। आजकल जो भी लकड़ी का काम हो रहा है वो प्लाई और बोर्ड के द्वारा हो रहा है, और बोर्ड और प्लाई बनाया जाता है पॉपुलर से। हमारे किसान इसे पूरे खेत में लगा के या बाउंड्री पे लगा के खेती करते हैं, और इससे एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करने की बात अपने दिमाग में रखते हैं। फसल है ये 6 से 7 साल की, तो मैं एक एक चीज आपके सामने इसकी जो है बताता चला जाऊंगा और आप इसे समझें। होता क्या है कि अगर हमें पॉपुलर अपने खेतों में लगाना है तो इसके लिए आपको जो है 6 इंच की एक स्टिक जमीन में लगानी है और उसकी केयर करनी है क्यारी में बहुत अच्छे से। जब वो 1 साल की हो जाएगी और 1 साल के बाद में वो पौधा आपका 12 से 15 फीट का हो जाएगा, और 12 से 15 फीट होने के बाद फिर जहां अगर आपको अपने खेत की बाउंड्री पर लगाना है तो, या आप पूरे खेत में अंदर भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है 12x10 हम पूरे खेत में अंदर लगा सकते हैं, और उसमें हम कोई भी फसल लगा सकते हैं। गन्ना लगा सकते हो, गेहूं लगा सकते हो, आपकी आप सरसों लगा सकते हो, कोई भी फसल लगाते हो, केवल एक चीज के कि आप उसमें धान नहीं लगा सकते। और सारी फसलें आप दाल की फसलें हैं वो भी उगा सकते हैं। आपने ये लगाया और 6 से 7 साल में आपको जो उसमें वजन है वो मिलेगा 4 से 5 कुंटल, 4 से 5 कुंटल वजन मिलेगा। अब जब तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमने किसी भी लकड़ी काटने वाले ठेकेदार को बुलाया और उन्हें जो है अपने पौधे दिखा दिए। आप देख सकते हैं ये हमारे बाउंड्री पे जो है पौधे खड़े हुए हैं। हमें जानकारी होती नहीं है कि पौधा हमारा कितना वेट है, क्योंकि खड़ा है क्या पता है कितना वेट है, क्या इसका साइज होता है, क्या कुछ नहीं पता। वो औने पौने जैसे लगाते हैं पैसे और हम सोचते हैं चलो एक मुश्त ये पैसे आ रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम उसे बेच देते हैं। पॉपुलर की खेती में जो है हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उस धोखे को मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है। आप देखें कि इसमें 2 साइज से हमारे जो है लकड़ी बिकती है। जब आगे सेल होती है जो पॉपुलर कंपनियां हैं वो खरीदती हैं तो वो 2 साइज में मांगती हैं, एक तो ओवर साइज और एक अंडर साइज। अब ये जो पौधा है हमारा ये ओवर साइज है। ओवर साइज का मतलब 21 इंची गोलाई, ये 21 इंची गोलाई है तो ये ओवर साइज है, और ये हमारा 18 इंच गोलाई का पौधा है तो ये अंडर साइज है। अब आज की तारीख में आपने नहीं सुना होगा ये सच इस तरीके से कि आज की तारीख में ओवर साइज 1400 से 1500 रुपए कुंटल जो है पॉपुलर मार्केट में बिक रहा है, ये ओवर साइज 1400 से 1500 रुपए कुंटल, लेकिन हमारा क्या बताया जाता है कि 400-500 बिक रहा है, और ये अंडर साइज आपका जो है 1300 से 1500 रुपए कुंटल। अब आप देख सकते हैं कि कहां तक इसका तना ओवर साइज है और कहां अंडर साइज है। पूरे पौधे में स्थिति होती है कि ऊपर जाके अंडर साइज आ जाता है, नीचे ओवर साइज होता है। अब पौधे के वेट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कम से कम 4 से 5 कुंटल का पौधा है, तो आपका पौधा जो है 5 कुंटल का है जो है 7500 रुपए का हो गया। इस पे और जो टहनियां निकलती हैं, डंडे निकलते हैं, उनका रेट मैं बताऊं, अगर आपने डंडा साइज में काटा हुआ और जिसके कोने किनारे मतलब जो है गोल कटे हुए होंगे तो उसका रेट 450 से 500 रुपए कुंटल है, और अगर सेटी आप निकाल रहे हैं, भाइयों ध्यान से सुने, अगर सेटी भी निकाल रहे हैं आज उस सेटी का रेट 300 से 400 रुपए कुंटल है। दूसरा, जब पूरे खेत में अगर ये लगे हुए हैं तो
बीघे के हिसाब से इनके जो पत्ते और बारीक टहनियां हैं वो बीघे के हिसाब से बिकती हैं, 500 रुपए बीघा, 1000 रुपए बीघा, पत्ते और टहनियां बिल्कुल बारीक सैटी लकड़ियां। तो अब एक बात बताओ, एक पौधे से कितनी वैरायटी हमें मिली, 1500 भी बिका, 500 भी बिका, फिर उसके बाद जो है वो बीघे के हिसाब में जितना भी कूड़ा कवाड़ा बिका वो सब बिका, लेकिन 500 रुपए में ये बिक गया। पांच पांच तरह से हमें इसमें पैसा आ रहा है, लेकिन हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो साथियों आप देखें कि केवल एक 5 रुपए की कलम यानी कि 5 रुपए की स्टिक से हम 6 से 7 साल में 7 से 8 हजार रुपए भली भांति कमा सकते हैं। और अंदर देखो, ये खेत अभी गन्ना खत्म करके हमारा जो है अभी जुताई होकर तैयार हुआ है, और इधर ये भी गन्ना था इधर वाले खेत में, दोनों साइडों में इसमें हमने गेहूं बो दिए, फसल भी हो रही है, सारा कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें सब काम हो रहा है। हम छोटा सा इन्वेस्टमेंट, एक 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ी सी मेहनत अगर हम लगाते हैं इसमें, ध्यान रखते हैं इसका, तो इससे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब बात आती है कि ये कैसे मौसम में हो सकता है, मौसम क्या, मैं आपको बताऊं, पंजाब, हरियाणा, आपका राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, आपका छत्तीसगढ़ वगैरह जितने भी, गुजरात में बहुत अच्छे से इसकी खेती हो सकती है, लेकिन अभी इतना प्रचलन वहां नहीं है। दूसरा, मिट्टी नॉर्मल कोई भी मिट्टी चलेगी, कोई भी वातावरण चलेगा, ये आराम से जो है किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव करता है। पानी की जरूरत इसे होती है, पानी आपका होना चाहिए। हाँ ये है कि आपका कहीं खारा पानी है या कोई और इस तरीके का पानी है तो नहीं हो पाएगा, बाकी अगर मीठा पानी आपका है तो इसे कोई दिक्कत नहीं, और इतना ज्यादा पानी भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हम स्पेशली इसके लिए कोई पानी नहीं लगाते हैं, हमारी ये बरा है पल्ले खेत के लिए, उधर वाले खेत के लिए जब पानी जाता है तो इन पौधों में पानी लग जाता है, उधर हमने गेहूं भरे हैं तो पानी लग गया, जो हमारी फसल बुई हुई है उसे ही हम पानी देते हैं, इसके लिए स्पेशल कोई हमें पानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई। दूसरा, अभी क्या होगा कि कई मेरे साथी लोग कहेंगे कि जो है आपने इसकी वैरायटी तो नहीं बताई, तो इसमें 108, 109, 120, L49 बहुत सारी वैरायटियां हैं जो प्रचलन में हैं, जिनकी मतलब फास्ट ग्रोइंग है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और उनकी मांग भी बहुत अच्छी खासी है। फिर देर किस बात की है, आप भी अपने खेतों की बाउंड्री पे, या अगर आप अंदर भी लगाना चाहते हैं तो वहां पॉपुलर लगाएं और कमाएं लाखों में। साथियों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।